हेलो एवरी वन वेलकम टू एल एन जे ब्रेन एस्टॉम द डेली चैलेंज आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दिस सीरीज रेगुलरली एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन यू आर बींग प्रोवाइडेड सो लेट सी योर लास्ट ब्रेन एस्टॉम द डेली चैलेंज क्वेश्चन विच वॉज लेट ए जेड वन बी जेड टू सी जेड थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एंटी क्लॉक सेंस में ये क्या हो रहा है ये तीनों वर्ड यूज हो रहा है ठीक है जब ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है लाइक दिस वन क्या है ये बेसिकली ये गिवन है आपको आर्ग्यूमेंट z2 टू माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड थ्री ठीक है इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है बेसिकली अगर इसको देखें तो इसको अपन कहते हैं फाइनल वैक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में वैक्टर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो और ये क्या है इनिशियल वैक्टर है और ये जो डायरेक्शन होता है बेसिकली डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर का ये इनिशियल टू फाइनल की तरफ मूव होता है इसमें कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों कॉमन पॉइंट है जेड टू यानी कि वर्टेक्स बी है तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स बी है वहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है क्लियर क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन क्या है जेड फोर जेड फोर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अगेन ये दोनों क्या है कर्व है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दे रखा है आपको Z4 दे रखा है यानी कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये यहां से जो Z मिलेगा वो क्या है बेसिकली Z4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ए एन सी क्या है इट इज द एंगल एट द वर्टिस नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है इसमें नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जेड फाइव जेड फाइव क्या है इट इज ऑल्सो द इंटरसेक्शन ऑफ अगेन दो कर्व आपको गिवन है तो जो भी इस टाइप का कर्व गिवन होता है बेसिकली वो सब क्या है एक सर्कुलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ठीक है सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कौन कौन सा दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन ये सर्कुलर पार्ट होगा और ये बेसिकली क्या होगा ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ठीक है क्या होगा ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पे Z, Z2, Z3 और Z यहाँ पे क्या है बेसिकली Z5 है तो Z5, Z2, Z3 ये सब क्या होगा कोलिनियर पॉइंट होगा तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करते हो सॉल्व करते हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा डायग्राम इसका ड्रॉ करने आना चाहिए ठीक है तो ऑलरेडी मैंने इसका इस क्वेश्चन का क्योंकि कॉम्प्लेक्स uh, क्वेश्चन है थोड़ा सा तो इसका डायग्राम ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा है तो ये ऐसा बेसिकली इसका डायग्राम है ठीक है जेड जैसा कि आपको पता है एंगल ए बाई बन रहा है और एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर सी बाई बन रहा है ठीक है तो Z4 फोर कहाँ पर लाई करेगा बेसिकली Z4 हो जाएगा इन सेंटर कौन से ट्राइंगल का ट्राइंगल ए का क्या हो जाएगा वो इन सेंटर हो जाएगा बेसिकली आपको जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा Z2 Z3 इसी लाइन के ऊपर आने वाला है Z5 तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गया कोलिनियर हो गया चाहे तो अपन इन तीनों इन दोनों को अपन ज्वाइन कर सकते हैं किसको को ज्वाइन कर सकते हैं ए एंड डी को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से ठीक है अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या एग्जैक्टली exactly पूछा जा रहा है यहाँ पे है ना ऑप्शन ए में अगर देखें तो ये कह रहा है जेड टू जेड थ्री माइनस तो ये क्या बनेगा ये क्या बनेगा Z3 थ्री माइनस जेड ये डायरेक्शन होगा हाँ या ना बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद क्या है Z1 वन माइनस जेड वन माइनस जेड ये वाला डायरेक्शन है तो बेसिकली ऑप्शन ए एक के अकॉर्डिंग ये जो सेगमेंट है CI और ये जो लाइन सेगमेंट है AD ये क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस दोनों ऑप्शन बेसिकली एक ही इन्फॉर्मेशन को आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या माइनस का साइन है तो ये क्यों गिवन होता है बेसिकली जब इस तरीके से आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो डायरेक्शन भी क्या होता है यहाँ पे आपको देखना होता है ठीक है कि किस डायरेक्शन में अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा ये इनिशियल है हाँ या ना ये इनिशियल वैक्टर है और ये क्या है बेटा ये फाइनल वैक्टर है ठीक है ये फाइनल वैक्टर है तो हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन अगर आप देखें क्वेश्चन में जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है वो कौन सा डायरेक्शन बनेगा ये आपका इनिशियल और ये क्या है फाइनल है ठीक है तो डायरेक्शन कैसा बनेगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझने के लिए इसको पीछे बैक डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस करते हैं यानी कि सी को तो ये यहाँ पर कहीं पर कट कर रहा होगा से ई पॉइंट पर इसको कट कर रहा होगा तो डायरेक्शन क्या बनेगा एक डायरेक्शन ऐसा है एक डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसे क्या होगा ये कौन सा डायरेक्शन है ये क्लॉक है तो अगर ये क्लॉक है तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल तो ऐसे भी नहीं हो सकता इसका मतलब आंसर ए तो डेफिनेटली नहीं होगा ठीक है वो एंगल 90 डिग्री आता है नहीं आता वो तो अपन चेक करेंगे तो पॉजिटिव एंगल तो नहीं आ सकता अगर आना भी है तो वो नेगेटिव एंगल ही आएगा ठीक तो है तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि क्या क्या होगा इसमें बेसिकली चलिए कुछ ऑब्जर्व करने वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री बन रहा है तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से बताइए ए है डी है बी है और ये जो आई है ये जो चार पॉइंट्स है बेसिकली ये क्या है सर्कल uh, के ऊपर लाई करेगा क्यों लाई करेगा ए डी ए डी क्या है फिक्स्ड पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में बी एंड सी के ऊपर एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है सेम साइड भी है है ना तो टेंथ क्लास का थेरम आपको याद होगा शायद ठीक है कि अगर uh, कोई लाइन सेगमेंट है और सेम साइड पॉइंट्स पे सेम एंगल फॉर्म कर रहा है तो वो बेसिकली साइक्लिक साइकिलिकॉर्डिलेटर का फॉर्मेशन कर देगा तो यहाँ पे वो डायग्राम भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ साइकिलिकॉर्डिलेटर बेसिकली ये ऐसे मैंने ड्रा कर दिया इसके लिए ए डी क्या हो जाएगा ए डी बेसिकली डायमीटर हो जाएगा तो ये ए डी हो गया ये ए डी हो गया यहाँ पे, ठीक है ये पॉइंट आई है और यहाँ पर ये पॉइंट क्या है बेसिकली ये बी है ड्रा कर देते इसको इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे नाइन्टी डिग्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पर भी नाइन्टी डिग्री ये फॉर्म हो रहा है ठीक है ये नाइन्टी डिग्री फॉर्म हो रहा है ठीक है क्या आप बता सकते हो अगर मैं बी को आई से ज्वाइन करूंगा बी को आई से ज्वाइन करूंगा तो ये जो एंगल है ये एंगल है वो क्या हो जाएगा ये एंगल बता सकते हैं यस सर ये बता सकते हैं ये फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा क्यों हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री आप जरा यहाँ पे देखो आई क्या है इन सेंटर है इसका मतलब बी आई क्या होगा इंटरनल एंगल बाई सेक्टर होगा टोटल एंगल ए बी सी कितना है वो नाइन्टी डिग्री है तो ऑब्वियसली ए आई बी ए ये क्या होगा फोर्टी uh, फाइव डिग्री हो जाएगा क्लियर है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ से <coughs> कुछ चीज़ें आप कंक्लूड कर पाओगे क्या क्या कंक्लूड कर पाओगे अगर मैं ऐसा करता हूँ सपोज करो मैं कॉड कंसीडर करता हूँ कौन सा क्योंकि ये चारों पॉइंट्स का एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो मैं ये कॉड कंसीडर करता हूँ कौन सा आई ए आई ए क्या कर रहा है आई ए अगर आप देखें ये जो आई ए है वो बी पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है फोर्टी फाइव डिग्री तो क्या आप ये बता पाओगे कि ये एंगल भी सर फोर्टी फाइव डिग्री होगा ये सन ओ यस एन ओ क्या होगा देखो ए आई मैंने ये कॉड कंसिडर करा तो ये कॉर्ड बी पर एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 45 फाइव डिग्री तो थेरम है कि जो कॉर्ड है सेम साइड सेम साइड पे एंगल क्या है सेम फॉर्म करता है तो ये 45 फाइव डिग्री ये भी क्या हो गया 45 फाइव डिग्री हो गया एक दूसरा कॉर्ड कंसीडर करें आप अच्छा ये 45 फाइव डिग्री हो गया ये 90 हो गया तो आप बताइए कि ये जो ओवरऑल एंगल है ये टोटल कौन सा एंगल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओवरऑल एंगल कौन सा ट्राइंगल में ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल ए डी आई में बात कर रहा हूँ मैं ठीक है ए डी आई के अंदर ए डी आई ठीक है इस ट्रा के अंदर क्या मुझे एंगल क्या मुझे एंगल डी ए आई मिल सकता है क्या डी ए आई मिल सकता है क्या यस yes, बिल्कुल मिल सकता है क्यों सर ये एंगल तो ए आई डी तो 90 डिग्री है और यहाँ पे फोर्टी फाइव इसका मतलब ओवरऑल ये भी एंगल क्या होगा सर ये फोर्टी फाइव डिग्री ही रहेगा फोर्टी डिग्री ही रहेगा अब क्या हो रहा है बच्चों देखो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है आपका ये टोटल एंगल कितना बनना ये भी बन रहा बनना यहाँ पे 45 है इसका मतलब ये जो ट्रांगल है ट्रायंगल ए आई डी कैसा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ट्रायंगल ए आई डी क्या ये राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया यस yes या नो राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया क्या बिल्कुल ठीक है राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया इसमें इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है कौन से दो साइड्स इक्वल है ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है और ये नाइन्टी डिग्री है देअर फोर ए आई इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू क्या होगा ए आई डी के लिए जो ए डी है वो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया ठीक है हाइपोटेन्यूज हो गया तो ए आई इज इक्वल टू आई डी इसका वैल्यू क्या ए डी अप रूट टू होने वाला है यस yes या नो no? बिल्कुल होने वाला है ए डी अपॉन रूट टू बिल्कुल यहां से आ जाएगा ठीक है आ जाएगा इधर से क्लियर है यहाँ से यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें तो क्या और कंसीडर कर सकते हैं अब ऑप्शन को जरा देख लेते हैं ऑप्शन चलो अभी ये तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा बी का अगर हम इसको देखें जेड फोर माइनस जेड फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड फाइव का स्क्वायर अपॉन टू ये क्या है अगर इसको साइड के टर्म में अपन लिखे सी ऑप्शन को साइड के टर्म में अगर लिखे तो क्या बनने वाला है भाई देखो जेड फोर माइनस जेड फाइव कौन सा है भाई जेड फोर माइनस जेड फाइव किधर सर ये है जेड फोर माइनस जेड फाइव क्या है बेसिकली वो है सर डी आई तो सी ऑप्शन क्या है जेड फोर माइनस जेड आई दैट इज डी आई यही है क्या यही है क्या इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ठीक है जी इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड फाइव जेड वन माइनस जेड फाइव जेड वन माइनस क्या हो जाएगा ए डी है हाँ या ना ए डी अपॉन में क्या है टू है क्या ये ऑप्शन कहीं से दिख रहा है बिल्कुल आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे हमने क्योंकि ट्रायंगल ए आई डी को राइट आई सोसेलिस प्रूफ कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सी ऑप्शन तो सही दिख रहा है क्यों दिख रहा है यहाँ से आप देखो आई डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन रू टू है देर फोर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से सी आंसर तो आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है हमें बेसिकली जो डी ऑप्शन है ये भी क्या है जेड फोर माइनस जेड फाइव जेड फोर माइनस जेड फाइव को हमने क्या बोला बच्चा जेड फोर माइनस जेड फाइव को क्या बोला है वो बेसिकली डी आई बोला है ठीक है डी ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन जो कह रहा है बेसिकली वो आपका आ रहा है जेड फोर माइनस जेड फाइव तो वो डी आई है डी आई इज इक्वल टू डी आई इज़ इक्वल टू हमें क्या देखना है साइड्स के टाँव में देख लेते ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाए ठीक है तो वो क्या होगा डी आई अच्छा जेड वन माइनस जेड थ्री क्या होगा जेड वन माइनस जेड थ्री क्या होगा तो सर जेड वन माइनस जेड थ्री अपोजिट है ये अपोजिट है तो क्या मैं इसको बी लिख सकता हूँ बिल्कुल सर बी लिख सकते हैं ये जो साइड है ए बी इसको क्या मैं सी लिख सकता हूँ बिल्कुल सर इसको सी लिख सकते हैं और जो बी सी है उसको क्या लिख सकते हैं उसको अपन ए लिख सकते हैं क्लियर है तो क्या क्लियर है क्या तो जेड वन माइनस जेड थ्री क्या होगा यस जेड वन माइनस जेड थ्री क्या होने वाला है वो होगा सर बी हो जाएगा ठीक है वो बी हो जाएगा तो वो क्या है बी है माइनस माइनस जेड वन माइनस जेड थ्री टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री क्या होगा जी टू माइनस थ्री क्या हो रहा है ए हो रहा है तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलेगा क्या ए बी हमें एग्जैक्टली exactly ये प्रूफ करना है भाई सी ऑप्शन तो हमें मिल गया डी ऑप्शन हमें ये चेक करना है कि डी आई का वैल्यू सर ये भी आ सकता है ठीक है अब उसके लिए कैलकुलेशन हम एक्जैक्टली exactly कैसे करने वाले हैं तो आप देखें इसके लिए कैलकुलेशन क्या होगा ठीक है डी आई अपने को फाइंड आउट करना ठीक है हम डी आई किधर गया भाई ये ये हमारे पास क्या है आ, है ना इसका कैलकुलेशन हमें करना है एक ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पे ए डी सी ए डी सी क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है ठीक है उसको अपन कैसे देख सकते हैं ADC को कैसा ट्राइंगल है बेसिकली ADC यस yes. किस तरीके से सोच सकते ए डी सी के बारे में जरा देखिए आप इसी डायग्राम में आप देखो मैं कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ट्राइंगल एडीसी की बात कर रहा हूं एडीसी ठीक है आपने बोला ये टोटल एंगल कितना है सर ये टोटल एंगल आपका फोर्टी फाइव डिग्री है और ये एंगल कितना है एंगल बाई सेक्टर है तो सर ये क्या हो गया ए बाई टू हो गया हाँ या ना क्लियर है क्या तो ओवरऑल ये जो एंगल है कौन सा एंगल डी ए सी यस एंगल डी ये किसके इक्वल आ रहा सर ये इक्वल आ रहा है फोर्टी फाइव डिग्री प्लस ए बाई टू आ रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है यहाँ तक क्लियर है ठीक है उसके बाद ये हमने ऑलरेडी फोर्टी फाइव बोल रखा है अगर आप देखो ध्यान से अगर मैं बी आई कॉड को कंसीडर करता हूँ तो बी आई इस वर्टेक्स ए पर क्या एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल ए बाई टू फॉर्म कर रहा है ये बी ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम में बी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो ए बाई टू फॉर्म कर रहा है यही कॉड बी आई डी पे कितना एंगल फॉर्म करेगा आपको पता है कि अगर ये मैं कॉड क्योंकि ये साइक्लिक कॉड इलिटरल है तो बी आई बी आई इस ए पर जितना एंगल फॉर्म करेगा यही बी आई डी पर भी सेम एंगल फॉर्म करेगा तो यहाँ पर ए बाई टू है तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म करेगा ये ए बाई टू फॉर्म करेगा तो आपको इस ट्रा में दिख रहा है कि डी ए सी का जो वैल्यू है आपने फोर्टी फाइव डिग्री प्लस ए बाई टू बोला ठीक है एंड एंगल ए डी सी का वैल्यू भी इतना ही आ रहा एंगल एडीसी इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है आपका बताइए ये भी उतना ही आ रहा 45 डिग्री प्लस सर ए बाय 2 आ रहा तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि जो एडीसी है ट्रायंगल वो कैसा है आइसोसेलिस ट्रायंगल है ठीक है मतलब जो ट्रायंगल एडीसी कैसा ट्रायंगल है ये आइसोसेलिस ट्रायंगल ठीक है इससे क्या मिल रहा है बेसिकली हमें ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको ये एडीसी ये ए है ये डी है और ये क्या है सी है ठीक है और इसी के ऊपर यहाँ पे कहीं पॉइंट आई था और इसको अगर अपन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें ये पॉइंट आई था ठीक है आई था आपको जैसा कि पता है कि सी को क्या बोल रहे हम जेड थ्री बोल रहे इस आई को क्या बोल रहे हम जेड फोर बोल रहे बेसिकली ठीक है ये सब क्या है आपका ये जेड वन है और ये क्या है आपका ये डी क्या है जेड फाइव है तो यहाँ से आप एंगल भी बता सकते हो बेसिकली क्योंकि ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है एडीसी आपने इसको क्या प्रूफ पूरु, करा कि राइट right आई दो, दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है इसका मतलब ये दोनों होगा? ये दोनों दोनों साइड्स साइड्स क्या क्या होगा भी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ठीक है यहाँ तक ये क्लियर है बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे है ना इसका मतलब ये जो सी आई है क्या है सी आई एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर है और ये आईसोसेलिस ट्राइंगल है मतलब ये क्या हो गया ये राइट बाई सेक्टर हो गया कौन सा सीआई बेसिकली इस ट्राइंगल के लिए क्या हो गया राइट बाई सेक्टर हो गया तो जहां पर भी ये कट कर रहा है ई पॉइंट पर यहां पे क्या करेगा ये 90 डिग्री फॉर्म कर देगा ठीक है 90 डिग्री फॉर्म कर देगा हमें ये तो प्रूफ करना था जेड वन माइनस जेड वन माइनस जेड फाइव का डायरेक्शन क्या बच्चों यही है है ना जेड वन माइनस जेड फाइव का डायरेक्शन ये था एंड एंड यहां पर जेड थ्री ऑप्शन में देखे अगर आप जेड थ्री माइनस जेड फोर है क्या ऐसा है और जेड वन माइनस जेड फाइव है तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री और क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में कंसीडर किया जा रहा है क्लॉकवाइज सेंस में कंसीडर किया जा रहा है देर ऑफ देर ऑफ जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर ठीक है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है अब आते हैं ऑप्शन डी के ऊपर ऑप्शन डी जो पूछा जा रहा है कि डी का वाले बी ए स्क्वायर माइनस ए भी होगा तो वो कैसे अपन कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास एक ये डायग्राम है ठीक है इसमें इसमें हमने ये प्रूफ कर लिया कि भाई ये जो ए डी सी है ए डी सी है कैसा है आई है ना ये साइड और यह जो ओवरऑल साइड है कौन सा ए सी एंड सी डी ये दोनों क्या है इक्वल है बिल्कुल इक्वल है ठीक है तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ए डी का स्क्वायर है ए डी का स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूं देखना जरा इसमें कौन सा ट्राइंगल है सो ट्राइंगल ए डी बी है ना ए डी बी के अंदर ए डी बी के अंदर ट्राइंगल ए डी बी क्या बनने वाला इसमें AD स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज होगा इसके लिए ए डी इक्वल टू इज इक्वल टू क्या बनेगा डी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बनेगा क्या डी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अब कोई बोलेगा सर ये डी बी क्या होने वाला एग्जैक्टली exactly? डी क्या होने वाला यस yes, डी बता सकते हैं बिल्कुल बता सकते हैं टोटल ये लेंथ कितना बेटा यहाँ पे डी क्या होगा तो डी सी इक्वल टू सर क्या है वो ए है और ए का लेंथ क्या है बी है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ होगा कौन सा डी वो सर बी माइनस होगा बिल्कुल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये क्या होगा बी माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली ए बी स्क्वायर क्या होने वाला है यहाँ पर यस ए बी स्क्वायर क्या होने वाला है सी का अपोजिट है तो वो लेंथ क्या है बेटा वो लेंथ है सी स्क्वायर है ना इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा ये ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी करेक्ट है यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है ठीक right है अब क्योंकि ए बी सी कैसा ट्रायंगल था राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी सी कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या वो बी स्क्वायर होगा यस ये नो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा बिल्कुल होगा तो आप इसको लिख सकते हो सो ए डी स्क्वायर Square is equal to, is equal to, किसको हमें हमें लिखना लिखना है C square plus A square. उसको क्या लिखना है? B square plus क्या हो जाएगा यहाँ तो से क्या मिल गया ट्वाइस ऑफ बी ए स्क्र माइनस टू ए बी यहाँ से क्या हो रहा है यहाँ से क्या हो रहा है टू कॉमन हो रहा है तो इन ब्रैकेट क्या बच रहा है माइनस ए बी बच रहा है और देर फोर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए डी का वैल्यू है इट इज रूट टू एंड रूट ओवर दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए बी अब जो रिलेशन यहाँ पर है ए डी ए डी और आई डी को हमें रिलेट करना था बेसिकली तो लास्ट में जो कैलकुलेशन हमने किया है ए डी इज इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा है ठीक है तो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू रूट टू आई डी है क्या क्योंकि हमें आई डी या डी आई का वैल्यू ही प्रूफ करना था ठीक है देयर फोर कैन वी राइट ए डी इज इक्वल टू रूट टू आई डी विच इज इक्वल टू रूट टू रूट ओवर बी स्क्र माइनस ए बी यहाँ से रूट टू से रूट टू कैंसिल हो रहा है देअर फोर आई डी इज इक्वल टू यहाँ से uh, मिल रहा आपको विच इज बी स्क्वायर माइनस ए बी तो आई थिंक uh, इसका डी भी आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट uh, है ठीक है जो ऑप्शन डी है वो भी क्या है बिल्कुल करेक्ट है सो so, इस क्वेश्चन में बेसिकली कई सारे इन्फॉर्मेशन है और डायग्राम भी कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स के जो इस टाइप के क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं उसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए और उस डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं तो आपने देखा कि एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपका रिवाइज़ हो रहा है पुरानी चीज़ें ठीक है सो आई होप यू हैव कैलकुलेटेड और इसका आंसर आपने कैलकुलेट करा होगा सो करेक्ट आंसर इज़ बी सी एंड डी ठीक है ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट जो आपका ब्रेन स्टॉम क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर ऐसा कुछ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू टू इंटीग्रेशन में मॉन्ड ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स सॉरी एक्स माइनस टी डी टी देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आप इसको ट्राई करिएगा है ना जो भी आंसर आपको मिल रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हैं ठीक है So thank you everyone for this session.